नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बाद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष कुमार यादव द्वारा क्षेत्र के कई स्थानों का भ्रमण कर लोगों से जनसंपर्क किया गया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद सहित मोहम्मद आबिद और बिलाल अहमद सहित काफी लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि 7 मार्च को मतदान वाले दिन और मतदान करने के जरूर जाएं, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और क्षेत्र का विकास हो सके। इस दौरान क्या कुछ कहा बसपा प्रत्याशी पीयूष यादव ने, सुनिए। अच्छा, इधर लगातार डॉक्टर साहब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जो है क्या आपको क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, कुछ बदलाव की उम्मीद लग रही है, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का काफी लंबे समय से कब्जा रहा है। मैं पिछले 10 सालों से जनसंपर्क कर रहा हूँ और 10 सालों से लगातार जनता के सुख दुख दर्द और उनकी आवश्यकताओं के लिए लड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। बात रही जन समर्थन की, जनता अपने बेटे के साथ खड़ी है, अपने भाई के साथ खड़ी है। जनता ने अब की यह निश्चय कर लिया है कि अपने बेटे को, अपने भाई को सामर्थ्य देना है, शक्ति देनी है कि वह सदन में उनके मुद्दों को उठा करके विकास की जो धारा है उसको निजामबाद की धरती तक पहुंचा सके। अच्छा, चुनाव आप जीतते हैं तो किस तरह से यहाँ बदलाव होगा, विकास के जो पैमाने हैं वो क्या आपने तय किए हैं? देखिए, विकास का पैमाना विकसित क्षेत्रों जैसे बाकी हैं, बाकी विधानसभा है, उनमें तय होते हैं। निजामबाद तो ऐसी विधानसभा है जहाँ मूलभूत आवश्यकताएँ नहीं हैं। यहाँ तो सड़क, पुल, बिजली, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या, बड़ी मूलभूत आवश्यकताएँ वही नहीं पूरी हैं। प्राथमिकताएँ तो बाद की चीज़ है, मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करूँगा और निजामबाद में सभी चीज़ों को उपलब्ध कराऊंगा जो यहाँ के नागरिकों के जीवन के स्तर को ऊंचा करेगा।